राधिका के हाथ से बने पकौड़ों की हुई तारीफ, जाता को नई हजम हुई राधिका की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मन अति सुंदर के एपिसोड में आप देखेंगे राधिका द्वारा बनाए गए आलू के छिलके के पकौड़े दिव्यांग के पापा के क्लाइंट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिस पर वो राधिका से उन पकौड़ों को बनाने की रेसिपी भी पूछते हैं, साथ ही राधिका की तारीफ भी करते हैं। लेकिन सुजाता को राधिका की तारीफ पसंद नहीं आती, जिस पर सुजाता उन्हीं के सामने ये कह देती है, ऐसी चीजें बनाने में तो ये होशियार होगी क्योंकि आप इसका वजन देखकर पता लगा सकते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद दिव्यांग और उसके पापा के चेहरे पर स्माइल होती है क्योंकि उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद दिव्यम जैसे ही अपने कमरे में जाकर बैठता है, तब वो अपने मन में राधिका की तारीफ कर रहा होता है। अचानक दिव्यम को एक पेपर की याद आती है जो कि दिव्यम के लिए जरूरी था। दिव्यम उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। कमरे में न मिलने पर दिव्यम नीचे आकर सभी से पूछता है कि क्या मेरे उस पेपर को किसी ने देखा है, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरी चीजों को कोई हाथ लगाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सुजाता दिव्यम को कहती है कि हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि राधिका ने उठाया हो। राधिका से पूछने पर राधिका भी मना कर देती है। जब घर के सभी लोग उस पेपर को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, तब दुलारी राधिका को बताती है कि जिस पेपर को आप ढूंढ रहे हैं, उस पेपर को मैं लेकर के आई थी और उस पर आपने पकोड़े रखे थे, और आप मेरा नाम मत लीजिएगा नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। राधिका को याद आता है कि उस पेपर को तो उसने डस्टबिन में डाल दिया था। राधिका भागी हुई रसोई में जाती है। जाकर देखने पर पता चलता है कि रसोई के डस्टबिन का कूड़ा बाहर जा चुका है। राधिका भागी भागी बाहर आती है और उस कूड़े वाले के डस्टबिन को वहीं पर रोक लेती है और उसमें से कूड़ा निकालने लगती है। सुजाता दिव्यम राधिका के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम कूड़ेदान में क्यों हाथ डाल रही हो। उसके बाद राधिका किसी तरह से उस पेपर को ढूंढ लेती है। राधिका जब उस पेपर को ढूंढ कर दिव्यम को देती है, तब दिव्यम राधिका को कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता था, तो फिर तुम क्या झूठ बोलने लगी हो। उसके बाद दिव्यम उस पेपर को लेने से मना कर देता है क्योंकि राधिका ने उसे कूड़े में से उठाया था। सुजाता भी राधिका को काफी बातें सुनाती है। तभी वहाँ से घर के सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन राधिका और दुलारी आपस में बात करते हैं। दुलारी राधिका को धन्यवाद करती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाने से बच गई। उनको आपस में बात करते हुए दिव्यम के ताया का लड़का सुन लेता है, जिसमें वो राधिका को कहता है कि जब गल्ती तुम्हारी नहीं थी तो तुमने क्यों नहीं बताया। राधिका उसे भी यही कहती है, अगर हम सच बता देते तो दुलारी को काम से बाहर निकाल दिया जाता। तब वो भी राधिका की तारीफ करके वहां से चला जाता है। अगले दिन राधिका दिव्यम के लिए दूसरा पेपर रख देती है, दिव्यम से सॉरी भी बोलती है। उधर जब राधिका दिव्यांग के पापा के लिए चाय लेकर जाती है, वो राधिका को दिव्यांग के साथ पार्टी में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन राधिका कहती है कि हम आज तक ऐसी किसी पार्टी में नहीं गए हैं, इसीलिए आप रहने दीजिए, हम घर पर ही सही हैं। लेकिन वो राधिका को मना लेते हैं। राधिका खुश होकर अपने कमरे में जाकर दो चार साड़ियां रख लेती है कि दिव्यम से पूछेंगे हम कौन सी पहन कर जाएं। राधिका जैसे ही दिव्यम से पार्टी में जाने की बात करती है, दिव्यम राधिका को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तभी दिव्यम के पापा आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें राधिका को अपने साथ लेकर जाना है। दिव्यम अपने पापा के सामने मना नहीं कर पाता, लेकिन अपनी मोम को कहता है, आप किसी तरह से राधिका को यहीं पर रोक लीजिए, मैं उसे अपने साथ पार्टी में लेकर नहीं जाऊंगा। सुजाता दिव्यम को कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब देखना ये होगा कि क्या राधिका दिव्यम के साथ पार्टी में जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।